हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। तो एक बार फिर हम हाजिर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो आज की हमारी इस मूवी का नाम है द अडल्टर्स, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और ये HM कोकली द्वारा डायरेक्ट की गई है। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो ये है 5.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम सैम था, वो अपनी कार से कहीं जा रहा था। वो अपनी पत्नी एशली को फ़ोन करके ये बोलता है कि वो आज रात को लेट हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने सुपरमार्केट जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर डबल शिफ्ट करनी है। और फिर वो आदमी अपने सुपरमार्केट में पहुँच जाता है। वो वहाँ से फूलों के बुके वालों को फ़ोन करके स्पेशल बुके के लिए और चॉकलेट के लिए ऑर्डर करता है, क्योंकि आज उसकी और एशली की एनिवर्सरी थी और वो अपनी बीवी एशली को एक सरप्राइज देना चाहता था। सैम की कोवर्कर सैम की बात फ़ोन पर सुन लेती है और उससे कहती है कि उसकी पत्नी बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसे सैम जैसा पति मिला। लेकिन सैम उस कोवर्कर से कहता है कि खुशकिस्मत तो वो है, क्योंकि उसे एशली जैसी खूबसूरत वाइफ मिली। जिसके बाद वो कोवर्कर भी सैम को लाइन मारने लगती है और बाकी सभी वर्कर उन्हें देख रहे होते हैं। सैम एक बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग पर्सनालिटी वाला आदमी था और वो एक सुपरमार्केट में काम किया करता था, जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ उससे इम्प्रेस हो जाया करती थी। फिर सैम अपना काम खत्म करता है और कार लेकर निकल जाता है और रास्ते में उसे एक मर्सिडीज ड्राइवर ओवरटेक करके निकलता है, जिस पर सैम गुस्सा हो जाता है। और फिर सैम एक खूबसूरत सा बुके और चॉकलेट्स को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। सैम अपनी वाइफ एशली को सरप्राइज देना चाहता था और इसीलिए उसने उससे फ़ोन पर यह कहा था कि वो आज रात देर से लौटेगा। सैम की वाइफ एशली भी एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और सैम ने सोच रखा था कि जब उसकी वाइफ एशली घर पर पहुंचे तो उसे एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिले। फिर जब सैम अपने घर पर पहुँचता है तो उससे एशली का बैग घर पर ही दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और एशली को कॉल करता है। लेकिन वो ये देखता है कि एशली के फ़ोन की आवाज़ ऊपर वाले बेडरूम से आ रही है। सैम ऊपर बेडरूम में एशली को चेक करने जाता है, जहाँ से उसे बेडरूम से एशली के मौन करने की आवाज़ आती है। और जैसे ही सैम दरवाज़ा खोलता है तो वो ये देखता है कि एशली के कपड़े ज़मीन पर पड़े हैं और एशली अपने बिस्तर में किसी और मर्द के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में होती है। सैम सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन एशली और उस आदमी को ये पता नहीं होता कि पीछे सैम खड़ा हुआ है। फिर सैम वापस नीचे चला जाता है और गुस्से में आकर अपनी गन निकालता है और सोचता है कि वापस ऊपर जाकर अपनी पत्नी और उस मर्द को मार डाले। लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कुछ देर शांत बैठकर सोचता है कि क्या करे और क्या नहीं। सैम काफ़ी शराब पीता है और बंदूक लेकर ऊपर अपने बेडरूम में चला जाता है और इस बार उसकी बीवी उसे देख लेती है। एशली सैम को देखकर घबरा जाती है और वो सैम से माफ़ी मांगती है और सैम उन पर बंदूक तान देता है। बंदूक के डर से एशली और वो आदमी एक कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं और वो आदमी जिसके साथ में एशली सो रही थी, वो सैमुअल से गिड़गिड़ाता है कि वो उसे नहीं मारे। सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बेडरूम का दरवाज़ा लगा देता है और कुर्सी लेकर वहीं पर बैठ जाता है और अपनी बीवी से पूछता है कि आखिरकार उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एशली सैम का कोई जवाब नहीं देती और फिर सैम उस आदमी जिसका नाम डेमी होता है उससे पूछता है कि वो कब से उसकी बीवी के साथ में रिलेशन बनाए हुए हैं। सैम एक टाइमर मशीन को लेकर उनके साथ में एक गेम खेलता है। सैम ये कहता है कि वो उन दोनों से कुछ सवाल करेगा और अगर टाइमर के बंद होने से पहले उसका जवाब नहीं आया तो वो उन दोनों को मार डालेगा। सैम का पहला सवाल ये था कि डेमी कब से उसकी बीवी के साथ में रिलेशन में है, जिस पर डेमी सैमी से ये कहता है कि वो उसकी पत्नी के साथ में 3 से 4 बार फिजिकल रिलेशनशिप बना चुका है। सैम आगे उससे ये पूछता है कि वो हर बार यहीं उसके घर में मिला करते हैं, तो डेमी उससे ये कहता है कि वो पहले होटल में मिला करते थे, लेकिन सैम आज लेट आने वाला था इसीलिए वो उसके घर पर ही मिले। डेमी आगे ये बताता है कि वो एशली से ऑनलाइन मिला था और एशली सैम से ये कहा करती थी कि वो बस अपने पुराने दोस्तों से ऑनलाइन बातें करती थी। सैम डेमी के हाथ में उसकी वेडिंग रिंग को देखकर उससे ये पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है और डेमी बंदूक के डर से बताता है कि उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और उसका बेटा भी है और उसकी पत्नी इस वक्त प्रेग्नेंट है।
यानी कि वो दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। सैम आगे डेमी से ये सवाल करता है कि उसे उसकी पत्नी एशली के साथ में सोना कैसा लगता है, और एशली ऐसे बेहुदा सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपने पति सैम को ऐसे सवाल पूछने से रोकती है, लेकिन सैम डेमी पर बंदूक तान देता है और डरकर डेमी उसे जवाब देता है कि उसे उसकी पत्नी के साथ में बहुत मज़ा आता है। फिर सैम डेमी से पूछता है कि क्या एशली को उसके साथ में मज़ा आता है या नहीं, जिस पर डेमी सैम से कहता है कि वो एशली से ही ये सब पूछ ले। सैम एशली को डेमी के साथ अपने बिस्तर में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, और इस गुस्से को निकालने के लिए वो एशली और अपने एक्सपीरियंस को डेमी से शेयर करता है कि किस तरह से जब वो एशली के साथ में होता है तो एशली उससे कितना मज़ा देती है। आगे हम ये देखते हैं कि सैम एशली को डेमी के साथ उसके सामने फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को कहता है, लेकिन एशली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सैम उन दोनों पर बंदूक तान देता है और बंदूक के डर से एशली और डेमी सैम के सामने ऐसा करते हैं। एशली और डेमी इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी एशली के फ़ोन पर उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे उसके रेस्टोरेंट में बुलाता है, लेकिन सैम उसे फ़ोन नहीं उठाने देता और उसका फ़ोन खुद उठाकर उससे ये कहता है कि एशली आज छुट्टी पर है। फ़ोन के कट हो जाने के बाद में सैम एशली को ये कहता है कि उसने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज वो इतना मजबूर हो चुका है कि वो उसे मारना चाहता है। फिर सैम डेमी के कपड़ों की तलाशी लेता है, जहाँ से उसे ये पता चलता है कि डेमी बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है। सैम को लगता है कि एशली ऐसा पैसों के लिए करती थी, लेकिन एशली सैम को ये क्लियर करती है कि वो बस उसे पैसे उधार लिया करती थी क्योंकि वो सैम को एनिवर्सरी पर गिफ्ट देना चाहती थी और डेमी बस इसीलिए यहाँ पर आया था। एशली सैम से कहती है कि वो सैम को बस खुश देखना चाहती थी। सैम लगातार शराब पी रहा था और उससे डेमी के आईडी कार्ड से ये पता चलता है कि वो फाइटर पायलट था, जिसे देखकर सैम डेमी को बताता है कि वो भी पायलट बनना चाहता था, और डेमी उससे कहता है कि वो उसे जैक के ज़रिए पायलट बनवा सकता है अगर सैम उसे जाने दे तो। लेकिन सैम डेमी की बातों में नहीं आने वाला था। सैम डेमी से उसकी पत्नी का नाम पूछता है, जो कि डेमी उसे जैस्मिन बताता है। फिर सैम डेमी से कहता है कि उसने अपनी बीवी को धोखा क्यों दिया, जिस पर डेमी उसे ये बताता है कि उसने उसकी पत्नी एशली के साथ में जबरदस्ती नहीं की, बल्कि जो भी हुआ एशली की सहमति से हुआ, जिसका उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, लेकिन सैम के अनुसार उन्हें बस पकड़े जाने का अफसोस था। सैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह उन दोनों को मार देना चाहता था, जिस पर डेमी रोने लगता है और एशली सैम को कहती है कि गलती उसकी है, उसे मार दे और डेमी को जाने दे। एशली को लगने लगता है कि शायद सैम उसकी बातों में आ गया है, और डेमी वहाँ से भागने लगता है कि तभी सैम जमीन पर गन से शूट करके उसे जाने से रोक लेता है, और सैम उन्हें ये कहता है कि आज वही यहाँ का जज है और उनके गुनाहों का फैसला वही करेगा। डेमी सैम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि जब वो एशली से मिला था तो एशली ऑलरेडी शादीशुदा थी, और जब सैम एशली के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था तो तब भी वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसका डाइवोर्स नहीं हुआ था। उसमें और सैम में कोई फर्क नहीं है, और डेमी की तरह सैम भी गुनहगार था। सैम इमोशनल होकर रोने लगता है कि उससे ये लगता था कि एशली सिर्फ उससे ही प्यार करती है, लेकिन उसने उसके साथ में ऐसा किया और उसे धोखा दिया, और वो अब इस धब्बे को नहीं मिटा सकता। फिर हम देखते हैं कि डेमी भी एशली को बेइज्जत करने लगता है। वो एशली का नाम भी नहीं जानता था और उसने एशली का नाम अपने फोन में एक बाजारू औरत के नाम से रखा हुआ था। सैम और डेमी ये नहीं सोचते कि एशली के दिल पर क्या बीत रही होगी, और फिर डेमी सैम से बचने के लिए उसे अपनी दुख भरी दास्ता सुनाने लगता है कि उसके पिता उसकी माँ के टीचर थे और उसने उसे झूठ बोलकर शादी की, जिसके बाद उसने उससे रास्ते पर जाकर छोड़ दिया। सैम डेमी की बातों में नहीं आता और एशली सैम को ये कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन सैम उसे बाथरूम जाने नहीं देता और कहता है कि यहीं पर सबके सामने करे, लेकिन एशली ऐसा नहीं करती और चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद सैम डेमी को अपनी पत्नी को कॉल करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो उसे टेंशन देना नहीं चाहता था। फिर सैम अगेन डेमी के ऊपर बंदूक तान देता है, जिससे डर के मारे डेमी अपनी पत्नी जैस्मिन को फ़ोन करता है और स्पीकर पर सब बता देता है। डेमी की इस हरकत के बारे में जानकर जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है,
क्योंकि उससे ये पता था कि डेमी और भी दूसरी औरतों के साथ में रिलेशन में है। सैम जैस्मिन से फोन पर पूछता है कि डेमी का क्या किया जाए, उसे गोली से मार दिया जाए या उसके पास उसे वापस भेज दिया जाए। जिस पर जैस्मिन सैम से स्पीकर बंद करके अकेले में बात करती है और फोन को काट देती है। एशली सैम से प्यार भरी बातें करती है और उसे सब कुछ भूल जाने को कहती है, लेकिन सैम कहाँ मानने वाला था। वो एशली से पूछता है कि वो कितने लोगों के साथ में सो चुकी है, और एशली सैम के इस बेहुदा सवाल का कोई जवाब नहीं देती। और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में डेमी की पत्नी जैस्मिन वहाँ पर आ जाती है और अपने पति को इसी हालत में देखती है। डेमी को ये लग रहा था कि जैस्मिन उसे यहाँ पर बचाने आई थी, लेकिन जैस्मिन कुछ और ही करने वाली थी। जैस्मिन डेमी के सामने अपने कपड़े उतारती है और सैम के साथ फिजिकल हो जाती है डेमी से बदला लेने के लिए। अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को सैम के साथ फिजिकल होता हुआ देखकर डेमी तड़प उठता है, और यही हालत एशली की भी होती है। जैस्मिन सैम के साथ अपना काम खत्म करने के बाद वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि डेमी उसके लिए मर चुका है और सैम जो चाहे डेमी के साथ कर सकता है। एशली सैम की इस करतूत पर बहुत नाराज होती है और सैम से माफ़ी मांगती है जो भी उसने किया उसके लिए। लेकिन सैम एशली को एक घटिया औरत कहता है क्योंकि वो अपनी एनिवर्सरी पर दूसरे व्यक्ति के साथ में थी। सैम एशली को ये आइडिया देता है कि वो डेमी को गोली से मार दे और पुलिस को ये कहे कि डेमी उसके घर में उसके साथ रेप करना चाहता था, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस के लिए उसे मार डाला। और फिर सैम एशली को गन देकर डेमी को मारने को कहता है, लेकिन वो जब ट्रिगर दबाती है तो उसमें बुलेट नहीं निकलती। दरअसल वो गन खाली थी और सैम बस ये देखना चाहता था कि एशली ऐसा करती है या नहीं। फिर एशली अपनी इमोशनल स्टोरी उन्हें सुनाती है जिससे शायद वो बच सके। वो बताती है कि बचपन में उसके पिता के दोस्त ने उसका कई बार रेप किया और वो ये बात किसी को भी नहीं बता पाए क्योंकि वो उसके पिता का दोस्त था। उसने एशली को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और जब एशली की शादी हुई तो उसका पहला पति भी उसे बहुत पीटता था। एशली को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं मिला और बस सैम ने ही उससे सच्चा प्यार किया। वो सैम को किस करने को कहती है और उसे लगता है कि शायद सैम उसकी बातें सुनकर पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि सैम गन में बुलेट डालता है और तभी ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सैम अपने लिविंग रूम में है जहाँ पर सामने एशली बैठी हुई थी, जिसके बाद सैम अपने बैकयार्ड में गड्ढा खोदता है और उसे वहाँ पर एशली बैठी हुई दिखाई देती है। लेकिन कुछ समय के बाद में एशली वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि सैम एशली और डेमी दोनों को मार चुका था। फिर अगेन सीन कट होता है और सैम अपने लिविंग रूम में आकर बैठ जाता है और घड़ी का टाइम होता है 1:45, यानी कि सैम बस ऊपर गया और दोनों को मारकर आ गया। और जो भी सवाल उसने डेमी और एशली से अपने बेडरूम में किए थे वो सब मनगढ़ंत थे, जिसके बाद सैम वहीं सोफे पर सो जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, द अडल्टर्स मूवी बहुत ही शानदार मूवी है जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कौन सही है और कौन गलत। जब आप खुद कुछ गलत काम करते हैं तो वो आपको सही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति वही गलत काम करता है तो वो आपको गलत लगता है। और यही सब हुआ सैम के साथ में। उसने जब एशली और डेमी को साथ में पकड़ा तो वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने उन दोनों को गोली से मार दिया, और वो खुद एशली से मिलता था जबकि एशली की शादी किसी और से थी। अब मूवी का ट्विस्ट ये था कि जब सैम ऊपर रूम में गया तब घड़ी में टाइम हो रहा था 1:40, और जब वो एशली और डेमी को मारकर आया तब टाइम हो रहा था 1:45। मतलब सैम 5 मिनट के अंदर अंदर ऊपर गया और उन दोनों को गोली से उड़ाकर वापस आ गया, और जो कुछ मूवी में चल रहा था वो बस सैम अपने दिमाग में सोच रहा था जो उसे करना चाहिए था, लेकिन वो गुस्से में जाकर उन दोनों को गोली से उड़ा आया। दोस्तों, अडल्टरिंग कानूनी इलीगल है और हमें अपने पार्टनर्स के प्रति लॉयल होना चाहिए। जो कुछ भी हमने इस मूवी में देखा उससे हमें ये तो पता चल गया कि जब हम किसी और के साथ में गलत करते हैं तो वो हमें बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जब हमारे साथ में गलत होता है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।